हस्बैंड जी यहाँ पे बना रहे हैं चटनी भांग की। कुची कुची बच्चा हमारा, तो कुची कुची बच्चा। हेलो माय टू फैमिली, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से और हमारा नाश्ता पानी अभी हमारा चल रहा है। यहाँ पे ट्रैक्टर धोने का काम मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर धोने का काम। अब खेती बाड़ी सब बो दी है तो ट्रैक्टर को ना संभाल लेते हैं धो धा करके। मैंने टब में सर्फ का पानी बना रखा है तो उसी से ट्रैक्टर की धुलाई हो रही है। यहाँ धो दो तो हमारे ट्रैक्टर की धुलाई भी समाप्त हो, अगले साल ही निकलेगा ये नवंबर दिसंबर में गेहूं बोने के टाइम में। उस समय तो फिर और ज्यादा वो हो गया खुश मिट्टी ना, अभी तो हल्का ही था, अभी 8 ही लीटर लगाती है। वैसे कुल तेल कितना लगता है इसमें? खेत की शादी खत्म है, मतलब कितना खाता होगा टैंकी में, कितना मतलब कितनी स्टोरेज होगी इसमें? इसमें है जरा 2 लीटर का टैंकी। अभी हम इस समय हमारा 8 लीटर लगा। अभी जो गेहूँ की बुआई होगी ना उसमें लेगा तेरा 10-12 लीटर, 2-3 लीटर अच्छा लगता है ना क्योंकि मिट्टी खोज होगी तो पानी भी अठारह चौमास के लिए। तो बोने में तो आसान होता है ट्रैक्टर से, लेकिन घर से ले जाने में ना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि सीढ़ीदार खेत है, यहाँ से डाउन भी हैं और ऊपर भी हैं। तो कंधे में ले जाते हो? तो इनका काम तो हो गया है ट्रैक्टर धोने का और अपना ट्रैक्टर को थोड़ी देर सुखाएंगे, इसके बाद ना ये स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तब तक ना मैं भी अपने कपड़े धो लेती हूँ और फिर उसके बाद लक्कू के पास जाती हूँ क्योंकि उसकी ना तबीयत खराब हो रही थी कल रात से। तो मैंने कपड़े भी धोले हैं और कपड़े धो के ना सुखा भी लिए हैं और अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी दिन की। अभी यहाँ पे लेके आई हूँ मैं काटने के लिए प्याज टमाटर हरी मिर्च और लहसुन और सामने मेरी देवरानी काट रही है घास। तो मैं बनाने लगी हूँ अभी दाल और दाल है मलका की, मलका को मैंने धो के रखा है और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे बना रहे हैं चटनी भांग की। तो अभी समय है शाम का और मैं आज ना सुबह से ब्लॉग नल के वहीं पे बना रही क्योंकि काम ना मेरा यहीं पर का हो रहा है और अभी ना गायों को पानी देने का समय हो रहा है तो मैं गाय के लिए पानी भरने के लिए आ रही हूँ। और मेरे हाथ में है डंडा पत्थर क्योंकि यहाँ ना बहुत बंदर आते हैं शाम के टाइम में। एक बंदर तो वहाँ पर बैठा है देखो और बाकी अखरोट के पेड़ में भी ऊपर, अभी कहाँ गया पता नहीं, भग गया साथ नीचे वो भी थे बंदर ना, बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं शाम के टाइम में, इसलिए ना अपनी सेफ्टी के लिए डंडा लेके आई हूँ मैं। तो गाय को पानी वानी देती हूँ और तो पानी भी भर गया है मेरा। कितना शुद्ध पानी होता है ना घरों का। इसी में पानी के बाल्टी ऊपर को लेके आई ना, इतने सारे बंदर आ गए, एक तो वहाँ पे बैठा है और एक पेड़ में बैठा है वहीं पे और एक और आ गया यहाँ पे, 3 बंदर। तो मेरी सासु माँ कह रही कि गाय को पानी मैं अपने आप दूंगी तो इसको संभाल ले अभी, तो मेरे को ये काम मिला है इसको देखने का। और इसकी मम्मी गई है खेत में ना, ना लक्कू हेलो ओ का कर लेते आप, कूची कूची बच्चा हमारा, तो कूची कूची बच्चा। हेलो माय ड्यू फैमिली, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गया कल की ब्लॉग के साथ और कल की ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं शाम के 4:30 बजे से। और अभी हम लोग आ रखे हैं घास काटने के लिए अपने घर से थोड़ी से नीचे और हम इतने सारे लोग आ रखे हैं
चाची आ रखी है, मेरी छोटी सास गुंजन और यमुना मेरी देवरानी, तो सब अपने काम में लगे हैं घास काटने में, तो मैं भी घास वास काट लेती हूँ। और ये रहा डोका, तो इसमें ले जाएंगे हम घास। और गुंजन अपने लिए पानी लेके आई है और साथ में ना चिप्स के पैकेट लेके आई है। चाची और मेरी देवरानी तो अपना काम कर रहे हैं, तो मैं भी घास वास काट लेती हूँ। और मुझे काटना है वो वाले खेत में। तो घास वास सब कट गया हमारा, अब चलते हैं घर को। चाची ने भी पूरे इतने कांटे काटे, देखो चाची ने सारे यहाँ पर इकट्ठा कर रखे हैं। पकती है ना 5 महीने में, कार्तिक के महीने में नवंबर दिसंबर, ये हमारी दराती है चाची ने। अभी समय है रात के 9:30 बजे का और हमारा खाना पीना भी हो गया है रात का। और ये ब्लॉग कल से चल रही है, तो इस ब्लॉग को भी ना एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए, अगर आते तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देवी उत्तराखंड और गुड नाइट, बाय बाय।